सरकार को इतना कहूंगा कि सरकार न्यायप्रिय होनी चाहिए और हमारा जो न्यायालय है, जो हमारा कोर्ट है, जिस पर हम सबको अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उसको जो भी निर्णय देना हो वो सरकार ऐसे लोगों के हित में दे जिसमें सच्चाई है। सच्चाई के हित में कदम उठाना चाहिए सरकार को और माननीय न्यायालय को। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, सरकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन पीड़ा जब होती है कि जब निर्णय गलत दिए जाते हैं, निर्णय भी सही होने चाहिए ताकि विदेशों में रह रहे करोड़ों बौद्ध सरकार के प्रति अच्छी सोच रखें। क्योंकि आज सरकार लाखों करोड़ों रुपए बुद्ध के नाम पर इसलिए लाती है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि हम यह बौद्धों के साथ कितना सौतेला व्यवहार करते हैं। एक तरफ गरीब जनता, पूरे देश की जनता भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसका पालन कर रही है, और वहीं पर मंदिर बनाने के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार उस गाइडलाइन का उल्लंघन करके राम मंदिर का निर्माण कर रही है, तो क्या माना जाए? देश राम मंदिर के हित में है, सरकार राम मंदिर के हित में है, या फिर देश के हित में? मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़े भरोसे का प्रतीक हमारे देश में माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। सबकी निगाहें टिकी होती हैं, विश्वास होता है, यकीन होता है कि हमारे साथ कहीं पर भी अन्याय हो लेकिन हमें न्याय मिलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगा, हमें अदालतों से मिलेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन शायद आप भूल गए कि सरकार जो वर्तमान में सरकार चल रही है और जो सरकारों के द्वारा नियुक्त किए जाते जज हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के हित की ही बात करते हैं। राम मंदिर का मामला कई वर्षों से उठा हुआ था, बहुत दिनों तक इस पर राजनीति चलती रही। मोमडन भाई बोलते रहे कि यहां पर मस्जिद है, हिंदू लोग कहते रहे यहां पर अयोध्या है, और इस बीच में हमारे बुद्धिजीवी जो बौद्ध समाज के थे, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ था, अखिल भारतीय भिक्षु संघ था, और भी सामाजिक संगठन समय समय पर ये आवाज उठाते रहे कि वहां मंदिर भी नहीं है, वहां मस्जिद भी नहीं है, वहां ऐतिहासिक बौद्ध विहार है। लेकिन सरकार ने बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए एक बार भी बौद्धों की अपील पढ़ना उचित नहीं समझा। यहां तक कि न्यायालय में पिटीशन दायर की, न्याय की गुहार लगाई कि इस धरती को खोद के देखो, इस भूमि को जब भी चीरोगे तो इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन बौद्धों की बात ना सुनकर और एक हित में फैसला दे दिया कि यहां राम मंदिर बनेगा। मेरे प्रिय देशवासियों, बड़े दुख की बात है, जब वहां राम मंदिर की बात की जा रही है और जब खुदाई निकलती है तो वहां पर शिवलिंग निकलता है। अब उसको शिव की जमीन माना जाए कि राम की जमीन माना जाए या बाबरी मस्जिद माना जाए, यह समझ में नहीं आता। लेकिन जब शिवलिंग निकल, जब वहां शिवलिंग निकल रहा है तो शिवलिंग की बात की जा रही है, बल्कि वो शिवलिंग नहीं है। वहां पर जब जाए गहराई से देखा जाएगा, और यदि पुरातत्व विभाग ठीक से अपने देखरेख, अपने कुशल नेतृत्व में यदि वहां की खुदाई करवाए और लाइव दिखाया जाए पूरे देश के लिए, तो बड़ी दुख होगा कि हमारे केंद्र में चल रही सरकार और हमारे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो जज माननीय रंजन गोगोई जी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बौद्धों की आवाज को सुने बिना एक तरफा फैसला दे दिया जिससे बौद्धों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि वो राम मंदिर है, यदि वो शिवलिंग है, तो वहां बुद्ध का धम्म चक्र क्यों निकल रहा है? वहां बुद्ध के अवशेष क्यों निकल रहे हैं? बुद्ध का भिक्षा पात्र क्यों निकलता है? बुद्ध से जुड़ी हुई बुद्ध की मूर्तियां क्यों निकलती हैं? यही बुद्ध की धरोहर नहीं है? जो हमारे सम्राट अशोक थे, बौद्ध हृदय सम्राट, उन्होंने अपने राज शासन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें सांची जैसे, शीरपुर जैसे, और भी
मथुरा की भूमि भी है और भी बहुत सारी, यहां तक कि भारत की जब भी भूमि चीरी जाती है तो ना राम की मूर्ति निकलती है, ना कृष्ण की निकलती है, ना विष्णु की निकलती है, सिर्फ बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। तो इन अवशेषों से ये सिद्ध होता है कि राम मंदिर नहीं था वहां, बाबरी मस्जिद नहीं थी वहां, वहां पर था तो केवल और केवल एक भव्य बुद्ध विहार था। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन यहां पर झूठ को ऊंचा उठाने के लिए, सत्य को दबाने की कोशिश की जा रही है, बौद्धों की साथ, बौद्धों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं जहां बुद्ध पैदा हुए, ये क्यों नहीं कह देते कि मैं ऐसे धरती से आया हूं जहां बुद्ध पैदा जरूर हुए पर हमने बुद्ध के विचारों को दफन कर दिया। पता लग जाएगा कि आपका वजूद क्या है विदेशों के अंदर। बुद्ध के नाम से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लाने वाली सरकारें बुद्ध के नाम पर झूठ बोलती हैं और धोखा देती हैं समाज के, समाज को, और धोखा देती हैं उन बौद्ध अनुयायियों को जो बुद्ध के नाम पर पूरे दिन पूरे देश में आज बुद्ध को माना जाता है। मेरे प्रिय देशवासियों, एक तरफ बौद्ध समाज जिसका पुनर्निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, एक एक ईंट लगाने के लिए बहुत सारी पीड़ाओं को सहन करता है, और एक तरफ मंदिरों के लिए हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है, तो ये बौद्धों के साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय का हम सम्मान करते हैं, तह दिल से अभिनंदन करते हैं, परंतु एक बात चुभती है दिल में, वो बात यह है कि जब न्यायालय ने फैसला सुनाया, एक बार बौद्धों की अपील पर भी नजर डाल दी होती, एक बार बौद्धों की पीड़ा भी सुन ली होती, एक बार बौद्धों की आवाज भी उन्होंने अपने कान में सुन ली होती, तो मैं समझता हूं माननीय न्यायाधीश भी फैसला सोच समझ कर सुनाते। इसके लिए हमारे संगठनों ने बार बार कोशिश की, चाहे सीरपुर हो, बैरंजा हो, एटा में बहुत सारी जगह है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगह है, हजारों जगह पर जहां बुद्ध के अवशेष निकलते हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है और पुरातत्व विभाग उस पर सिर्फ बाउंड्री करके छोड़ देता है। ये नहीं कहता है कि चलो सरकार से लड़ा जाए, सरकार से कोई बात कह करके इसका समाधान किया जाए। आज भी अयोध्या के अंदर जो बुद्ध की प्रतिमा निकल रही है या बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां की संस्कृति, यहां की ब्रह्मवादी व्यवस्था वो चाहती है कि बुद्ध के विचार दबे रहें और यहां के पाखंडवादी विचार हमेशा उठे रहें। इसी कारण इस देश का, ज्यादा नहीं कहूंगा, इस देश का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जिसने बुद्ध के विचारों को दबाया है कहीं ना कहीं उस देश का विकास रुक गया है, क्योंकि बुद्ध का जो विचार था सम्यक वाणी वाला था, सम्यक विचार वाला था, सम्यक आजीविका वाला था। बुद्ध ने ज्ञान के प्रभाव से समस्त देशों में ज्ञान की वर्षा की और हमारे देश में बुद्ध के शांति के ज्ञान को मिट्टी में दबाने की दबाकर कोशिश किया गया और ऊपर से हिंदूवादी व्यवस्था को यहाँ जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो मैं पूरी अपील करूंगा पुरातत्व विभाग से और भारत सरकार से, यदि आप सही माने में बुद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, बुद्ध के प्रति सम्मान रखते हैं, तो आप जब भी उसकी खुदाई करवाएंगे राम मंदिर की, अयोध्या की, तो वो लाइव करवाएंगे और पूरे देश को ये जानकारी होनी चाहिए, पूरे विदेशों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर जो भी निकल रहा है, जिसके अवशेष निकले वो जमीन उसको दी जाए, उसका मंदिर स्थापित किया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि बौद्धों की तो बात पहले से ही रही है कि वहां मंदिर मत बनाओ, मस्जिद बनाओ, वहां भव्य मेडिकल का निर्माण करो, लेकिन अब क्या है, जब भी भूमि चीरी जाती है तो यहां बुद्ध की भूमि निकलती है। मेरे देशवासियों, बुद्ध के विचारों को कितना ही दफनाया जाए पर बुद्ध के विचारों में वो सत्यता है कि वो दफन हो ही नहीं सकता, वो यहां मिट नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सत्य है, बुद्ध का ज्ञान झूठ पर आधारित नहीं है। मैं अपील करता हूं माननीय न्यायालय महोदय से, बौद्धों की अपील पर भी ध्यान दिया जा सकता है। सरकार बहुत सारे निर्णय देती है, वापिस लेती है, सरकार बहुत सारे निर्णय देकर के उस पर विचार भी करती है, और बौद्धों की याचिका पर, बौद्धों की पिटीशन पर, बौद्धों की मांग पर पुनः जांच करें और उसकी खुदाई ईमानदारी के साथ करें, और जिसका वहां ज्यादा अवशेष निकलता है वो जमीन उसको सौंप दी जाए, वो सबके सामने होगा पारदर्शिता, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे देशवासियों, मैं विश्वास दिलाता हूं ये पूरा देश बौद्धों का है, पूरा देश बौद्धों का था और बौद्धों का रहेगा, क्योंकि बुद्ध की यह संस्कृति दबी हुई है, इसको दबाया गया है, दफनाया गया है। अगर जहां भी आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये सरकार को, ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब बुद्ध निकल रहे हैं तो हम वहां पर किसी और का निर्माण क्यों करें।
मेरे साथियों, मैं आप सभी के पुनः स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी सुखी संपन्न रहें। मेरा किसी भी समुदाय के किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को दुखाना नहीं है, उसका दिल को भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं तो सरकार को इतना कहूंगा कि सरकार न्यायप्रिय होनी चाहिए और हमारा जो न्यायालय है, जो हमारा कोर्ट है, जिस पर हम सबको अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उसको जो भी निर्णय देना हो वो सरकार ऐसे लोगों के हित में दे जिसमें सच्चाई है। सच्चाई के हित में कदम उठाना चाहिए सरकार को और माननीय न्यायालय को। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, सरकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन पीड़ा जब होती है कि जब निर्णय गलत दिए जाते हैं, निर्णय भी सही होने चाहिए, ताकि विदेशों में रह रहे करोड़ों बौद्ध सरकार के प्रति अच्छी सोच रखें। क्योंकि आज सरकार लाखों करोड़ों रुपए बुद्ध के नाम पर इसलिए लाती है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि हम यह बौद्धों के साथ कितना सौतेला व्यवहार करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं बताई जाती हैं, लेकिन समाधान अगर ढूंढना होगा तो सरकार को भी बुद्ध की शरण में ही आना होगा। क्योंकि बुद्ध की